विश्नाहा के राधा कृष्ण मंदिर रामबाग में आचार्य राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में गोवर्धन पूजा की गई है और भगवान को 56 प्रकार के पदार्थों का भोग लगाया गया है। इस मौके पर पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा ने माथा टेक कर आशीर्वाद लिया है। कार्यक्रम जो है आज विश्नाहा रामबाग में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जहां सुबह से ही पूजा अर्चना वगैरह जो है वो की जा रही है। भगवान गोवर्धन जी को उनकी पूजा की गई है और जहां 56 प्रकार के भोग जो हैं भगवान को लगाए जा रहे हैं, जहां बहुत बड़े भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। हर साल महाराज आचार्य राजेंद्र प्रसाद जी की सौजन्य से ये सारा कार्यक्रम जो जहाँ पर उसका आयोजन होता है और दूर दूर से लोग जहाँ आके गोवर्धन पूजा में हिस्सा लेकर माथा टेकते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। ये विश्नाह में एक दिवाली के दूसरे दिन एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होता है और हम सब मिलकर यहाँ आए हैं, भगवान का आशीर्वाद लिया है और भगवान से यही प्रार्थना की है कि भगवान सबको आशीर्वाद दे, सबको सुखी रखे, सुख शांति रहे और हम सब खुशी से अपना दायित्व जो है वो निभाते रहें। तो मैं धन्यवाद करूंगा यहाँ के जितने भी जहाँ हमारे भक्तजन आए हुए हैं और जिनके सहयोग से ये सारा कार्यक्रम होता है और महाराज आचार्य राजेंद्र प्रसाद जी महाराज के सौजन्य से सारा कार्यक्रम जो है ये बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है। और हमारे यहाँ जो अभी ऋषि जी हैं जो भी इस पूरे रामबाग मंदिर का राधा कृष्ण मंदिर का पूरा कार्य जो है देखते हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि सब ने आज ये सुबह से कई दिनों से लगातार इसकी तैयारी की जाती है और 56 प्रकार के भोजन जो है उनका भोग जो है वो भगवान को लगाया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और आज के दिन मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारे त्यौहार जो हैं धार्मिक त्यौहार ऐसे ही हम मनाते रहें और भगवान का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे।